हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ किस तरह से हम खुद यूनिवर्स का काम खराब करते हैं और हम अपने बैड लक को खुद जिताते हैं, हम अपनी गुड लक को हमेशा हराते हैं। किस तरह से हम इस काम को खराब करते हैं जो भगवान हमारे लिए अच्छा सोच के रखते हैं, हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और हम अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को बढ़ाते जाते हैं किस तरह से। तो चलिए आइए, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले, जब कभी भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते, हमारे अंदर विश्वास इतना ज़्यादा नहीं होता हमारी मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग, जितना हम डाउट क्रिएट कर लेते हैं, जितना हम डर क्रिएट कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिख रहा है, ऐसा होगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो मुझसे इतनी बुरी तरह से लड़ाई करके गया है, वो इतने प्यार से मेरे पास आएगा, मुझसे रिश्ता बनाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इतनी महंगी गाड़ी मुझे कैसे मिलेगी, इतने सारे पैसे मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ये चीज़ें आपके बैड लक को इंक्रीज कर रही है, ये चीज़ें आपकी बैड लक को बढ़ा रही है, क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस अपनी फीलिंग्स के साथ, ट्रू फीलिंग्स के साथ उन पे डाल दिया है। जिन चीज़ों पे हम अपना फोकस डालते हैं पूरी फीलिंग्स के साथ, वो चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ने लगती हैं। तो हम अपना पूरा फोकस इन चीज़ों पे ही डालते हैं, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी इमोशंस के साथ, और एज अ रिजल्ट वो चीज़ें हमारे लाइफ में इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती ही जाती है। तो हम ही हैं जो हम गॉड के इतनी ब्यूटीफुल प्लान की वाट लगा दी है हमने, और हम अपनी बैड लक को, अपने लाइफ में बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो हम ही हैं जिसने सब प्लान खराब कर दिया भगवान का, जो हमारे लिए ब्यूटीफुल हुआ करता है, जो हमारे लिए अच्छा हुआ करता है, लेकिन हम सब की वाट लगा रहे हैं। क्यों, कैसे, समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से तो जब भी हमको हमारे विश होती है, हमको पता है हमको कुछ मैनिफेस्ट करना है, हमने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमको अब नई बिलीव्स क्रिएट करने हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अगर हम इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए रास्ते पे बढ़ गए हैं, तो हमको अब बिलीव क्रिएट करना है, ट्रस्ट क्रिएट करना है, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, ताकि हम जिस रास्ते पे हैं हम अपना 100% दें, बाद में जो होगा हम देख लेंगे, राइट? जब तक हम अपना 100% किसी चीज में दे ही नहीं रहे, हम कैसे उसके रिजल्ट को जज कर सकते हैं, राइट? तो हमको, हम अगर मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे निकल गए हैं, तो हमको इसको सिर्फ पावर देना है। अगर हम किसी ट्रेन में फ्यूल नहीं डालेंगे, हम खाली पानी पानी डालते रहेंगे, तो क्या वो ट्रेन चलेगी? क्या वो कोई भी गाड़ी चलती है बिना पेट्रोल के, बिना फ्यूल के? नहीं चलती ना। उसी तरह से हमारा मैनिफेस्टेशन है, इसको पॉजिटिविटी का फ्यूल चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये फेल हो जाएगा। और ऐसी गाड़ी क्यों चलानी जिसको फेल होना पड़े, जिसको रुकना पड़े, जिसको जो आगे ही नहीं बढ़ सके? गाड़ी तो ऐसी चलानी है ना जिसको हम भगा सके एकदम फटाफट। तो हमको भी ऐसी ही गाड़ी चलानी है अपनी मैनिफेस्टेशन की, विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, कि यूनिवर्स, जिसने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, जिसने पूरा हमारी लाइफ को अभी तक क्रिएट किया है, हमारे हाथ पांव होंगे नहीं होंगे सब उन्होंने देखा और हमें बेस्ट दिया है, सब कुछ हमारी लाइफ में दिया है उन्होंने, हमारे पेरेंट्स, हमारे कपड़े, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारी थॉट, हमारा थॉट प्रोसेस, हर चीज़ उन्होंने हमें दिया है। तो क्या हम उनका इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि हमको जो चाहिए हम वो पा सके उनसे? कर सकते हैं ना, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, अगर अपनी मैनिफेस्टेशन को पाना है करना ही पड़ेगा। चॉइस तो आपकी ही है, आपकी चॉइस ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करेगी, इसीलिए चॉइस तो आपकी ही, आपको क्या करना है, तो ऐसी चॉइस करें जो आपकी मनचाही रियलिटी को आपको दे सके, ना कि ऐसी वैसी कोई रियलिटी, राइट? तो चलिए, यही था आज का वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हमको इसको और ब्यूटीफुल बनाना है। बाय बाय, लव यू ऑल।